राम राम जी। सारे मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों आज हम इस वक्त मौजूद हाशिम में और नरेश तंवर जी के साथ हमारे साथ मौजूद है, तो हम आज इनके स्टूडियो में पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नरेश भाई नमस्कार। सबसे पहले देसी भाईचारा न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी साथी हैं, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। तो नरेश भाई सबसे पहले हम यहीं से इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। आपने सबसे पहला सॉन्ग कौन सा सॉन्ग लिखा था और उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला था आपको? देखिए, वैसे तो स्टार्टिंग मैंने भजन से की थी और उसके बाद में सॉन्ग की बात करें तो मैंने सैड सॉन्ग किया था भाई। फर्स्ट सॉन्ग उसका टाइटल था करके याद तू रोवेगी, जो कि गाया था जयेश भाई ने और लिखा था मैंने। बहुत ही अच्छा चला और मज़ा भी आया और पब्लिक का बहुत प्यार मिला जी। तो मान लिया आपने फर्स्ट सॉन्ग ही लिखा और वो भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका, तो आपके मन में किस तरीके से फील किया आपने भाई ये आप अपना सॉन्ग चालू या कंटिन्यू कराएंगे अभी तो, या क्यों अगर डाउन चला जाए तो भाई मन टूटता भी शुरू शुरू में, और आपका शुरू में ही बहुत बढ़िया चला सॉन्ग। जी देखो, ये तो है, अपने अपने कुछ लक की भी होती है और कुछ जो चीज़ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चीज़ अच्छी बन जाती है तो वो चलती है डेफिनेटली। और बात रही और करने की, तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली आदमी का जो है ना काम करने का और मन करता है। अगर हमारी चीज़ अच्छी चलती है तो उसमें और मन भी करता है और जी भी और लगन हो जाती है इंसान को कि और करें और करें और अच्छा होगा ना। तो ये चीज़ें तो नरेश भाई जी आपने सॉन्ग किया फर्स्ट बार स्टूडियो में, तो वो ही सैड सॉन्ग क्यों किया आपने? बस ऐसे ही माइंड में थोड़ी सी आ गई थी स्टोरी, तो मैंने उसको लिख दिया और वो उसके बाद उसकी ऑडियो तैयार की तो वो अच्छे चला। बस मज़ा आया कुछ नहीं, और कुछ बचपन से ही मेरे को सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है सुनना, अच्छा तो जी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग सैड से ही किया और वो अच्छा चला, तो फिर सैड जोन में रह गए करते करते अच्छा करते अच्छा करते जी। सैड ही कर रहे हैं जी। तो नरेश तंवर जी आपका हाल फिलहाल में एक सॉन्ग वायरल हो रहा है बहुत पहली बार, उसके उम्मीद वीडियो भी नहीं आई है, कब तक वीडियो आने की उम्मीद है और उसके सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, अपना पहली बार सॉन्ग, जितने भी साथी हैं दर्शक हैं अपने जो आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, तो उनका सभी से तहे दिल से शुक्रिया। पहली बात तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो उसको इतना प्यार दे रहे हैं, उसकी इतनी रील्स बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रही है उसकी रील। तो उसकी वीडियो भी भाई हम एक वीक के अंदर ही ले आएंगे। उसकी शूटिंग है अभी 28, 29, 30 की हमारी शूट रहेगा उसका, तो जल्दी से जल्दी उसको जो है जितनी कोशिश हो सके कि उसको वीडियो में लेकर के आएंगे। सर उसमें सिंगिंग किस किसने की है एक बार उसमें बता सिंगिंग दें। देखो मैंने की थी और PS क्विन ने की थी, और अब जो लॉन्चिंग है उसकी वो हमारा ही एक यूट्यूब चैनल है तन्नू रिकॉर्ड्स, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो जा करके, तो उसके ऊपर इसकी फुल वीडियो लॉन्च होगी भाई एक वीक के अंदर। और डॉप डायरेक्टर हमारे भाई हैं देवेंद्र सैनी, वो करते हैं आपको पता ही है, तो अच्छा करेंगे इसकी वीडियो जितना हमसे हो पाएगा। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भाई आप कहाँ तक लेके जाते हो उसको, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिए। इंस्टा पे सर्च कीजिए पहली बार, तो आपको मिलेगा सॉन्ग, उसकी रील्स वगैरह देखिए, बहुत अच्छा सॉन्ग है जी। नरेश भाई अब तक आपके लगभग कितने सॉन्ग हो चुके हैं कंप्लीट जो रिलीज हो चुके हैं और जो पेंडिंग में वो भी बता दीजिए। देखिए मेरे रिलीजिंग सॉन्ग हैं कम से कम 150 के समथिंग मेरे सॉन्ग जो है हो चुके हैं, और 10 से 15 सॉन्ग मेरे पेंडिंग हैं जो कि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो चुके हैं जी। तो उनको भी टाइम टाइम पे आप जैसे कि बीच में लॉन्च करते हैं तो थोड़ा काम जो है काम बहुत ज़्यादा था, लोगों को काम का टाइम चला हुआ था, इसलिए हमने लॉन्च नहीं किए। अब डाल रहे हैं उनको हर वीक, हर हफ्ते में जो है एक सॉन्ग डाल देते हैं जी। नरेश भाई मैं एक और बात माइंड में है और दर्शका के भी माइंड में है, जो नए नए बड़े काम हैं राइटर ला लो राइटिंग तय शुरू करे हैं, म्यूजिक लाइन का उतना ज़्यादा ज्ञान हुआ नहीं है, तो ऐसा भी हुआ है जो उनकी शिकायत रहे भाई कोई भी स्टूडियो में जाओ स्टूडियो वाला रुपया तो ले लेगा ज़्यादा और उन्हें ऐसा काम नहीं मिल पाता जो होना चाहिए वास्तव में। देखिए ऐसा नहीं है, कई बार समय और समय के अभाव में ऐसा हो जाता है कि म्यूजिक वालों को टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, और कोई कस्टमर है जो कस्टमर से नया हो चुका है वो जल्दबाजी करे तो देखो प्रोजेक्ट का काम होता है। और दूसरी बात मतलब पैसे ज़्यादा ले ली जाती हैं, बात बोल रहे हो क्या आप? हाँ नहीं, जी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, जो रेट होता है उनका वही होता है, जो काम के ऊपर डिपेंड करता है, जो काम देगा करके वो पैसे तो लेगा। देख जितनी बात है, जितना गुड़ गिरा उतना मीठा हमारे कहावत है। ना ये बात है ना माले पेमेंट तो उतनी दे है जितना काम की है, लेकिन उनका वही है, काम वही इतना है, अच्छे तरीके से नहीं किया जाता जो कि वो और कुछ कर दिया जाता है। आर्टिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो इन चीज़ें देख लेता है कि मार्केट में काम करने वाला बंदा भाई ये पुराना, इनको जानकारी है म्यूजिक की, है ना, स्टूडियो लेवल की, तो वो उन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं कई बार, उन चीज़ों को देख लिया जाता है कि भाई नया नया कोई है उसको पता नहीं है म्यूजिक की, नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता होगा, बट ज़्यादा कुछ भी नहीं है ऐसा जी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो हरियाणा में सिंगर है राइटर है वो एक अपनी सभ्यता छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति सॉन्ग बहुत कम आ रहे हैं, नगनता फुरड़ता बात पता नहीं क्या गया उस गानों के अंदर दिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम क्या कहना देखिए चाहेंगे? अगर हम हरियाणा से रिलेटेड बातों को अगर नोट करेंगे तो
ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है उसको ऊपर भी लेकर के गए हैं हमारे हरियाणवी कलाकार। आपने देखा होगा कि आज के टाइम जो है पूरे बॉलीवुड तक भी हमारा हरियाणा बजता है, पूरे विदेशों में भी हमारे हरियाणवी सुनी जाती है। तो उन्होंने अच्छा काम भी तो किया है। आप वो पॉजिटिविटी देखिए उनकी, नोट नेगेटिविटी मत देखिए। और दूसरी बात, ये चीज़ें हम देखे जाएंगे, चलो हरियाणवी सॉन्ग है पर हम हिंदी सॉन्गों की बात करें, बॉलीवुड के सॉन्ग जो बात करें, तो वहाँ भी तो ये चीज़ें हैं, उन चीज़ को तो हम नहीं रोक सकते। और पहले आज के नियम छोटे से देखने लगे थे तब भी तो थी, मूवी में भी होती हैं चीज़ें, बट इतनी वो भी नहीं है जितना आप मतलब बोल रहे हैं। ठीक ठीक है और सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जो काम कर रहा है अपना वो अच्छे तरीके से कर रहा है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, कुछ ना अच्छा क्या किया है, बुरी चीज़ों कुछ लग रहा है आपको तो छोड़ दो, उसको मत देखो। क्या आप ऐसा मानते जो भी हरियाणवी कलाकार है वो जितना पैसा अच्छा लगाएंगे, जितना अच्छा बजट लगाएंगे उतना उसका सॉन्ग अच्छा चलेगा, या कुछ वर्डिंग में या म्यूजिक में दम होना चाहिए, या पैसे के बल पर भी गाना चल सकता है? देखो अकेले पैसे के बलबूते के ऊपर भी सॉन्ग नहीं चल सकता, हाँ जी, चीज़ के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात किया जाए स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से अगर बात करेंगे तो ऑडियो, सिंगर्स, म्यूजिक, हर चीज़ उसके अंदर नोट होती है। अकेले कोई भी एक चीज़ बढ़िया होने से ना होता। दूसरी बात, पब्लिक को पसंद आने के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार हम कोई भी चीज़ अच्छा कितना ही अच्छा कर लें, पब्लिक को पसंद नहीं आता तो नहीं आता बस, है ना। जितनी तरफ से हमारी तरफ से इतना 100% होता है, हमें वो करना चाहिए, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी पब्लिक को पसंद वो चीज़ आई या नहीं आई तो उसके ऊपर डिपेंड करता है बस, बाकी कुछ नहीं। और प्रमोशन वगैरह का तो है ही, सभी को पता ही है भाई आजकल, ठीक है प्रमोशन चलती है, सभी को पता है कि भाई सॉन्ग को ट्रेंडिंग में कैसे लाना है, लोगों प्रमोशन पैसे डालते हैं बस, चलो ये चीज़ें। और अच्छी चीज़ें फिर वैसे भी बिना प्रमो, देखो आज तक मैं बताता हूँ आपको, मैं ये तो नहीं बोलता कि ट्रेंड, बस अच्छी चीज़ होती है ना वो चलती है, सिंपल सी बात है, चाहे उसको प्रमोशन दे हो चाहे ना आप करो, उसको यूट्यूब खुद प्रमोट करती है। नरेश भाई, सिनेमा हॉल में ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में देखी जाती है हमारे युवा लाले, हरियाणी वाले लाले, लेकिन आजकल आपने देखा है गुलजार भाई की बहुत अच्छी फिल्म आई डीजे वाले बाबू, और अभी हाल ही में चली रही है दादा लक्ष्मीचंद फिल्म, क्या आपने देखी है दादा लक्ष्मीचंद? देखो सर मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम था जाने का कुछ, तो मैं काफ़ी दिन से लेकिन मतलब इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बहुत अच्छी है, उसके मैंने काफ़ी सारी फीचर्स और वो चीज़ें नोट की थी, तो वैसे भी टाइटल से भी पता लगने लग रहा है हरियाणा की जो शान है उसके ऊपर जो अगर टाइटल रखा और उन्होंने उसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्माई गई है, तो वो चीज़ें कभी कहीं भी रहूँ और कभी भी हो भी नहीं सकती। पॉजिटिविटी है उसमें, देखो जितने भी साथी दर्शक आपके, देखना चाहिए, वो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, और हमारे हरियाणवी संस्कृति की कहीं ना कहीं उसने हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया। कहीं आपके दिल में ऐसी खुशी होती है भाई, जैसे कि बॉलीवुड फिल्में चलती है अक्सर सिनेमा हॉल में, वो आज हमारी हरियाणवी माँ बोली की फिल्में चल रही हैं? बिल्कुल अच्छा फील होता है। देखो हमारी माँ बोली से रिलेटेड कोई भी फिल्म मूवी अगर लॉन्च होती है और चलती है, हमारी सोसाइटी के लोग देखते हैं और उनके अंदर जागरूकता आती है और कुछ मतलब पॉजिटिविटी जाती है, तो हमें उस चीज़ से खुशी मिलेगी ना, हमें दुख क्यों होगा भाई, हम उस मातृभाषा से जुड़े हैं, उस समाज में रह रहे हैं, है ना, ये चीज़ें हैं, हमें पॉजिटिविटी जाती है, खुशी भी मिलती है, इंटरनल खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं। मेरे से भाई ज़्यादातर आप देखा, हाँ जो सिंगर हैं जो ज़्यादा कई बार आपस में लड़ने लग जाए, हैं लाइव में देख लो, उसके खिलाफ़ में कुछ कमेंट करेगा, वो उसके खिलाफ़ में कमेंट कर, लेकिन सभी हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, क्या ऐसे शोभा देता भी कलाकारों को भी आपस में लड़ाई करना या मिलजुल कर चलाना चाहिए आपके विचार से? सर वो पता है क्या है कि है ना, कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि मतलब आज के टाइम पर दिखावा है, आपको पता है पब्लिसिटी है, लोग करते हैं कुछ कंट्रोवर्सी के भी चक्कर में रहते हैं ना, ताकि उनको कंट्रोवर्सी मिल के थोड़ा फेम मिल जाए, ऐसे भी कुछ लोगों की सोच है, बट ये रहता है कि हर व्यक्ति को ये होता है कि मैं इससे ऊपर, मैं इससे ऊपर, उनको ये रहता है कि कोई झुकना नहीं चाहता, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, और कोई किसी से नीचा नहीं रहना चाहता, मतलब ये मानते हैं कि मैं ये कुछ नहीं, मैं हूँ सब, तो ये सोच भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जाती है। बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक ठाक है सब कुछ, बढ़िया चल रहा है। राइटर साहब आप मान ले पहले राइटर थे, आप सिंगर भी हो चुके हो, हरियाणा के टॉप राइटर रहे हो और फिलहाल हो भी, लेकिन राइटरिंग से एकदम से सिंगिंग लाइन में आना का मन किस तरीके से आपका? देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अभी आया हूँ सिंगिंग में, मैं बहुत काफ़ी टाइम से गा रहा हूँ स्टेज लेवल पे, अपने जो नॉर्मल प्रोग्राम लाइन होते में हैं, तो शायद फिलहाल ये भी स्टूडियो लाइन में मैं पिछले साल एक साल से आया हूँ, और मैंने काफ़ी सॉन्ग अपने खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ मैं, 40 से 50 सॉन्ग, और अच्छे गाए हैं और अच्छे चले भी हैं, सपोर्ट भी मिला सभी साथियों को, पसंद भी आए, तो बस अच्छा लगता है तो और करने का मन करता है। जी। तो और नरेश भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगे कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला हो जो अभी लॉन्चिंग के टाइम हो? हाँ जी बिल्कुल, अपना आने वाला जो प्रोजेक्ट है गांजा, अच्छा सॉन्ग है और वो रिकॉर्डिंग मतलब कंप्लीट है उसकी, बहुत जल्दी डालेंगे उसको, अच्छा सॉन्ग है, और उससे अच्छा प्रोजेक्ट तो आपको लोगों को पता ही है कि हमारा आने वाला पहली बार सॉन्ग अभी फुल वीडियो के साथ आएगा, अच्छे प्रोजेक्ट सभी अच्छे हैं, अपनी तरफ से सब अच्छे होते हैं। चलिए, और देवेंद्र सैनी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, और ये इनका काम है भाई वीडियो शूट करना वगैरह, बहुत अच्छा काम करे भाई, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, नमस्कार जी, आप सभी का देसी भाईचारा न्यूज़ देखने वाले को।
और देवेंद्र भाई आप वीडियो शूट करो, किस तरीका से करो हो कि कुछ बजट कर ले हो आपस में, या घाट बात भी कर लो गरीब वाले कोई अगर आपके पास मान हाँ, लो। शुरुआत में नए नए बच्चे आते हैं उनके लिए कंसेशन भी होता है, और वीडियो सभी के लिए अच्छे ही शूट करते हैं हम, हमारी तरफ से 100% देते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप तक कोई वीडियो शूट करवाना चाहो आपका एक बार एड्रेस बता दो, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दो, भाई आपसे संपर्क कर सकें। अपना ऑफिस है देवीलाल मार्केट बस स्टैंड आसी, तो आप कभी भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, तो मान लो कुछ आप पे काम करवाने लाग रहे हैं हाँ जी, तो देवेंद्र सैनी तो ऐसा काम नहीं करते, अभी अगला चलता काम करके दे देवे। नहीं नहीं हमारे 100% रहता हमेशा, अच्छा ही काम करते हैं, चाहे लो बजट हो चाहे हाई हो। अच्छा जी, वो एक कैमरे के ऊपर होती है, कई बार ज़्यादा बजट होने के कारण तो कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को, हर टाइप का काम मिलता है यहाँ पे, कोई धन्यवाद दिक्कत नहीं। नरेश भाई। एक और दर्शा है, बहुत ज़्यादा कमेंट रहा है, कमेंट आते रहे आपके चैनल पे भी, आप सॉन्ग का नीचे पढ़ो तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये रहते हैं भाई, ऐसी बार कौन सी लड़की थी भाई जो नरेश तंवर का दिल तोड़ कर चली गई, जिसके कारण नरेश तंवर आज सैड सॉन्ग करने पड़ रहे हैं। ऐसी लड़की थी नहीं भाई, तो भाई पहली बात ऐसी तो नहीं थी तो ऐसे सॉन्ग कहाँ से आ सुनो गए। मेरी बात, ऐसी कोई लड़की नहीं है पहली बात तो। अच्छा जी, दूसरी बात, ये सारी फॉल्स स्टोरियाँ होती है, आप लोगों को पता है राइटर जो है झूठी कहानी बना के ही सॉन्ग लिखता है भाई, और वो लिखेगा कि बताओ इतने इतने सॉन्ग एक लड़की खतर थोड़ी लिखेगा यार, कमाल है। ऐसी कुछ भी नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं समाज में। अच्छा, पॉजिटिविटी रखा करो माइंड में, अपना जोन है सेट, मजा रहा है काम करने में, कोई दिक्कत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मजा रहा है जीने में ना, किसी प्रकार की हर तरीके से, तो वो चीज़ें हैं। बाकी ऐसी सोच मत रखो भाई, अपनी लाइफ है, एंजॉय कर रहे हैं, मजा रहा है ज़िंदगी का जीने का, किसी प्रकार की कोई लड़के लड़के का कोई फंडा नहीं है अपना, लास्ट ठीक है में हमारे जी। चैनल के बारे में 2 लाइन क्या कहना आपके चाहेंगे। चैनल के बारे में यही कहना चाहूँगा, जितने भी देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल के दर्शक साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और मेरे जितने भी साथी जो मेरे को चाहने वाले हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, ये स्मित भाई अपना छोटा और इतनी दूर दूर से जा करके सभी से आपको लोगों को परिचित करवाता है, और सभी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता है, कोई भी मुद्दा हो छोटे से लेकर बड़े बड़े तक का, तो इस भाई को सपोर्ट कीजिए, देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हरियाणा, जय अपना हरियाणवी। कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।